हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ एंड आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। सो अरहम का स्कूल जो है अभी थोड़ा सा टाइम उसका चेंज हो गया है, 8:45 से हो गया है। तो मैं 6:15 पे उठ गई थी और फ्रेशन अप होके रेडी हो गई हूँ एंड नीचे जा रही हूँ। आपको बाहर का मैंने थोड़ा सा मौसम भी दिखा दिया है, सुबह सुबह कैसा है, और आ गई हूँ नीचे चाय वगैरह बनाने के लिए। तो वैसे तो मैं नहा के किचन में आती थी, बट अभी अरहम को टिफ़िन बॉक्स तैयार करना है तो मैंने सुबह जल्दी ही आके थोड़ा सा आटा उसन लिया था पूड़ी के लिए। ज़्यादा पूड़ी नहीं बना रही हूँ बिना नहाए, क्योंकि हम लोग नहा के ही सब कुछ बनाते हैं। तो थोड़ी सी पूड़ी बना रही हूँ। यहाँ पे हल्दी वाला दूध रख दिया है बनने के लिए, एक साइड पे मैंने अपनी चाय रख ली है और साथ ही साथ यहाँ पे आटा लगाने वाली हूँ। मैं पूछ लेती हूँ अरहम से एक दिन पहले ही कि अरहम टिफ़िन में क्या लेके जाना है, रोटी सब्ज़ी, पूड़ी सब्ज़ी या कुछ और। तो वो हमेशा भिंडी की पूड़ी और सॉरी भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी ही बोलता है, तो इसलिए मैं पूड़ी सब्ज़ी ही ज़्यादातर रखती हूँ। अभी बीच में मैं रोटी भी रख देती थी, बट अभी उसने पूड़ी बोला है तो मैं यहाँ पर पूड़ी के लिए आटा लगा रही हूँ। चाय मेरी हो गई है तो उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक डाल लिया है, और भिंडी की सब्ज़ी ले जाना है उसे, तो भिंडी भी मैं यहीं पे साथ ही साथ में सुधार लूँगी। और उसके बाद मैं सब्ज़ी फ्राई करूँगी और सिंपल ही सब्ज़ी बनाती हूँ, बेसिक मसाले बस डाल के, और थोड़ा सा उसमें अमचूर पाउडर में डालती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और बस यहाँ पे पूड़ी और सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो कढ़ाई रख ली है, एक पूड़ी के लिए और एक मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो सब्ज़ी के लिए मैंने छोटी वाली ले ली है, इसमें नॉर्मली हम लोग सब्ज़ी वगैरह जब खाली करना पड़ता है ना, ट्रांसफ़र करते हैं, तब हम इसमें थोड़ी सब्ज़ी बस्ती तो रख लेते हैं, इससे गर्म अच्छे से करते बन जाता है। और या फिर थोड़ी बहुत किसी की एक के लिए बस सब्ज़ी बनानी है थोड़ी सी, तो फिर इसमें हम बनाते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत जल्दी लगने लगती, स्टील की है, और थोड़े से जैसे सूखी वह सब्ज़ी वगैरह बना जिस गिलकी वगैरह अच्छी बन जाती है, भिंडी भी बहुत जल्दी ऐसे लगने जैसी लगती है, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालो तो फिर नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले डाले थे और यहाँ पे भिंडी डाल दी है, उसमें नमक डाल दिया है और लास्ट में अमचूर पाउडर भी डाला है। बस इसको चला दिया है और ढक के मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी। साइड में भी मैंने तेल निकाल लिया है पूड़ी के लिए और चालू कर दी है कढ़ाई। जितने में कढ़ाई गर्म होगी उतने में मैं पूड़ी बेल के रख लूँगी। और आज पता नहीं क्या था, पूड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही थी, पर ठीक है, आराम के लिए लास्ट की दो पूड़ी बढ़िया बढ़िया निकल आई थी, तो बस मैंने उसका यहाँ पे फिर टिफ़िन लगा दिया। बस यहाँ पे मैंने सारी पूड़ी बेल के तैयार कर ली हैं, फ्राई भी कर ली हैं और निकाल लिया है अरहम का टिफ़िन। और टिफ़िन को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, तो इसमें रखने वाली हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी और दो पूड़ी मैं रखूँगी। आज पूड़ी मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है तो इन्हें थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया है और मैं ऐसे ही रखती हूँ, आपने तो देखा ही होगा, ताकि मतलब वो ऐसे ही खा पाता है, उससे पता नहीं मुझे तो तोड़ते स्कूल में बनेंगी भी कि नहीं बनेंगी, उतना टाइम रहता नहीं है, तो मैं ऐसे ही रख देती क्योंकि वो टाइम वेस्ट ना हो उसका बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी चाय छान ली है और अरहम का जो दूध है उसे भी मैंने छान लिया और शशांक की चाय बनने के लिए रख दी है। आज ही से थोड़ा सा स्कूल का टाइम चेंज हुआ है तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि टाइम पे हो पाएगा या नहीं। वैसे स्कूल का तो पता 8:45 से हो गया है, बट वैन कितने बजे आएगी शायद उसका मैसेज अभी आया नहीं है, तो लग रहा है कि लेट ना हो जाए बिल्कुल भी, नहीं तो शशांक को फिर छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा सुबह से।
यहाँ पे मैंने बादाम निकाल लिए अपनी और शशांक की, और हम अभी खाता नहीं है और तो उसको मैं ना अपने में से ही दे देती हूँ, उसको अभी अलग से डाल नहीं रही हूँ। और देखो वैन आखिर 8:05 पे आ गई थी, उसने नहा लिया था बट फिर भी वैन निकल गई थी। तो फिर शशांक ने बात कर लिया कि वो अभी और बच्चों को लेने गए तो चौराहे पे मिलेंगे, तो वहाँ तक शशांक उसे छोड़ आए थे। इसके बाद मैंने नहा लिया है और नहा के आ गई हूँ मैं किचन में, और अभी बनाएंगे हम खाना। आज दाल चावल सब्जी इतना मम्मी ने बना के रख दिया है क्योंकि मैं लेट ही गई थी किचन में, और क्योंकि टाइम चेंज हो गया है तो अब थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। 1-2 दिन में ही फिर वो सही से हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ मैं लगाने लगी हूँ, मंदिर से मैं आ गई हूँ, और शशांक की अभी लगाना है थाली, तो मैं यहाँ पे रोटियाँ लगा रही हूँ और उसके बाद यहीं पे मैं उनकी थाली भी लगाऊंगी। अभी शशांक है नीचे, शायद दादाजी के पास हैं वो, और बस यहाँ पे मैं कल वो ना शादी में गए थे सागर, और आए थे लोग बहुत लेट आए थे, 2 बज गया था, तो बस यहाँ पे आ गए हैं शशांक भी ऊपर, और बस उनकी मैं थाली लगा के दूंगी। तो आज खाने में शिमला मिर्ची की सब्जी, दाल चावल और रोटी। और हम के लिए ना मैं एक पराठा जो है बना के रख लेती हूँ दोपहर के लिए, शाम के लिए। ज़रूरी नहीं कि वो रोज़ खा ही ले बट नॉर्मली वो खा लेता है, उसे हम दे देते हैं शाम शाम तक एक पराठा खाने के लिए, अचार लगा के चटनी लगा के जो भी रहता है। और वैसे तो मैं उसका पराठा वगैरह हर कुछ चीला बबरा जो भी बनाती थी घी में बनाती थी, बट क्योंकि अभी ठंडी होगी जम जाता है तो फिर इसलिए मैं भी उसका ऑयल में ही बना रही हूँ, अदरवाइज मैं घी में बनाती थी। तो यहाँ पे मैंने उसका पराठा एक सेक दिया है और शाम को वो खा लेगा इसे। यहाँ पे सारी रोटियों मैंने घी लगा दिया है, और बर्तन जो है वो मैं हम इस डिब्बे में रख लेते हैं, जो बर्तन बचता है उसे नेक्स्ट डे पूड़ी वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। और बस पटा बेलन जो है उसे हम तुरंत वॉश कर लेते हैं और बर्तन के साथ नहीं रखते हैं, और जो प्लेटफॉर्म है इसे हम तुरंत की तुरंत इसे भी क्लीन कर लेते हैं। आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत मतलब वीकनेस बहुत लग रही थी, तो खाना के लिए मैं मम्मी और पापा रह गए हैं। पापा भी मंदिर से लौट के आए थे ना, तो वो नीचे से ही फिर कहीं चले गए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको आने में। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप भी बैठ जाओ, मैं भी खाना खा लूँ, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। तो फिर यहाँ पे मैं अपने लिए जो मैंने कढ़ाई खाली कर दी थी, तो उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल मसाला बचा हुआ है तो उसमें मैंने अपने लिए थोड़ा सा चावल डाल दिया है, और मम्मी भी खाना खाने बैठ रही हूँ और साथ में मैं भी बैठ रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर देते हैं, नहीं तो फिर चींटियाँ हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाल दी क्योंकि बहुत जल्दी चिकट जाता है जो ये वॉलपेपर लगा हुआ है, तो बस इसमें इतना ही है कि थोड़ा सा क्लीन अच्छे से करते रहना पड़ता है। तो कल मम्मी बोल रही थी करने के लिए बट कल बहुत चींटी थी, और कितना भी फूंक मार लो वो मर ही जाती, नहीं जाती है वो ऐसे। तो आज मुझे ठीक दिख रहा था, चींटियाँ वगैरह नहीं हुई है, तो मैंने सोचा अभी इसे क्लीन कर देते हैं। तो बस मैं इसे क्लीन करते जा रही हूँ और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। फिर मैंने अपनी थाली लगाई और बैठ गई खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैं चली गई रूम में, थोड़ा देर रेस्ट किया, और उसके बाद हो गया था आराम के आने का टाइम, तो मैं उसे लेने के लिए नीचे चली गई। वैसे तो वैन आती है बट के पास ही बाहर ही छोड़ती है, बट मेरा मन नहीं मानता तो मैं रोज़ उसको नीचे लेने के लिए चली जाती हूँ। शुरू से ही है ऐसा कि मैं उसको लेने के लिए जाती ही हूँ, पहले तो छोड़ने के लिए भी मैं जाती थी बट अब शशांक उठ जाते तो शशांक ही जाते हैं। तो ये यार हम आ गया है, उसके बाद इसने खाना खाया। दोपहर में मैंने बनाई अपने लिए और शशांक के लिए चाय, और शाम के लिए मम्मी ने फिर बरी बनाई थी, तो उन्होंने पूछा तुम लोग भी खाओगे, तो मैंने तो हाँ बोल दिया था, पापा भी बरी खा लेते हैं, बट ये सुबह का थोड़ा बहुत खाना भी रखा हुआ था,
बट मैंने बरी ले ली थी थोड़ी सी, और बरी के साथ खाना खाया और हमने दूध रोटी खाई। और शशांक के लिए ना मैंने सब्ज़ी बना दी थी यहाँ पे, यार हम पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है अपना, और मैं खा रही हूँ खाना। इसके बाद मैं किचन में आ गई और शशांक के लिए आलू रखे हुए थे उपले, 2 आलू, तो मैंने सोचा उनके लिए सिंपल सी सब्ज़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची और लहसुन लिया है, प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ, और इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, हींग डाली है, और फिर इसमें आलू ऐड कर दिया है। तो कभी कभी उबले आलू की सब्ज़ी इस तरीके से बनाओ ना सिंपल बिना प्याज की, तो वो भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, और ऊपर से फिर बहुत सारा धनिया डाला था, थोड़ा सा ये वाला पेरी पेरी मसाला डाल दिया है इससे भी, या मैगी मसाला, इस तरीके की सूखी सब्ज़ी आलू की हो, भिंडी के ऊपर से थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दो तो अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने गैस बंद कर दिया, उसके बाद ही मसाला ऐड किया है। ये आज अगर हमने होमवर्क में इसको सेंटेंस लिखने के लिए मिला था। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।